भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुका छतरपुर नगर पालिका का उपयंत्री कंसल्टेंट कंपनी को घर बनाने की स्वीकृति देने के लिए घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से कर दी, जिस पर एक्शन लेते हुए टीम ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। छतरपुर नगर पालिका में पदस्थ एक घूसखोर उपयंत्री जिसका नाम बाबूलाल चौरसिया है, वो घर बनाने की स्वीकृति देने के लिए कंसल्टेंट कंपनी चलाने वाले उमेश कुमार चौरसिया से 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सागर लोकायुक्त पुलिस से कर दी, जिस पर एक्शन लेते हुए टीम ने जाल बिछाकर पीड़ित को पैसे लेकर भेजा और जैसे ही उपयंत्री ने रिश्वत ली वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 30,000 रुपए भवन निर्माण स्वीकृति के एवज में पर फाइल पे पैसा दिया जाता है, जितनी भी हम लोग फाइल लगाते हैं पर फाइल पे पैसा दिया जाता है। अभी हमारा ये 11 फाइलों का हिसाब किया है हमने, 30,000 रुपए, किसी पे 4,000, किसी पे 5,000, किसी पे 3,000, अभी कुछ समय पहले किए ये एई और अपने खुद के नाम के, और बोलते हैं समस्त स्टाफ को देना होता है। इनकी कंसल्टेंसी एजेंसी जो ऑथराइज्ड है उसके माध्यम से छतरपुर नगर पालिका में पदस्थ उपयंत्री बाबूराम चौरसिया उस फाइल की स्वीकृति के लिए इन्होंने 30,000 की रिश्वत की मांग की थी, जो आज लोकायुक्त सागर के संगठन मैं DSP प्रफुल्ल श्रीवास्तव, DSP खेड़े साहब और DSP मंजू सिंह स्टाफ के द्वारा इनको 30,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है और हम इनमें प्रकरण पंजीबद्ध करके कानून सम्बद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।